दोस्तों, आप लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इंटर कॉलेज में भर्ती निकाल दी है। आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। यहाँ पर देखते हैं कि 11 मार्च को आज यहाँ पर निकाल दिया है और ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से होंगे। तो 14 मार्च से लेकर अंतिम तिथि 1 अप्रैल 3 अप्रैल रखा गया है। तो 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो है राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पोस्ट निकाली गई है प्रधानाचार्य की, प्रधानाचार्य की। इस पर जो है जो भी एलिजिबिलिटी रखता है वो अप्लाई कर सकता है। चलिए जानते हैं पूरी पदों की संख्या और सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपके रहने वाली हैं टोटल पदों की संख्या 692। तो 692 पदों पर इंटर कॉलेज में पोस्ट निकाली गई हैं। ये रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है और ये आपका निकाले गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके प्रधानाचार्य के पद हैं राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के अंतर्गत 624 निकाले गए हैं और उनमें से भी आपका यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी में 4% यानी कि 24 पद रखे गए हैं और 600 पद अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। अन्य पोस्ट आप लोग देखते हैं, अन्य आरक्षण रखे गए हैं। और बालिका इंटर कॉलेज में 68 पद निकाले गए हैं, 66 पद आपके यहाँ पर सामान्य में रहेंगे, बाकी 2 पद आपके यहाँ पर दिव्यांग वालों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, और ये आपका देखते हैं लेवल 12 का है, 78,800 से स्टार्टिंग होगी, 2,92,000, ठीक है, 2,09,200 के बीच में होगा। समूह क का होगा राजपत्र अधिकारी होगा स्थायी। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है समिति विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% अंकों के साथ यहाँ पर स्नातक और उपाधि तथा बीएड या समकक्ष उपाधि धारित करना अनिवार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर बीएड होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक और होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर 2 वर्ष का निरंतर जो संतोषजनक सेवा पूर्ण भी कर लेनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है और ये आपके राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होना चाहिए। यह आपके पास 10 वर्ष का निरंतर संतोषजनक पूर्ण ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है, प्रथम दिवस से लेके जो आपके राजकीय इंटर कॉलेज हैं यहाँ पर जो है उसमें भर्ती के प्रथम दिन से लेके 10 साल पूरे हो जाने चाहिए प्रवक्ता के रूप में, तब भी अप्लाई कर पाएंगे। या तीसरा रखा गया इसमें कि आपके पास सहायक अध्यापक या LT जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुए हों परंतु प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर मौलिक सेवा पूर्ण कर चुके हों, समिति विभागीय परीक्षा हेतु पात्रता होंगे। तो ये भी रखा गया है, सेम आपका राजकीय इंटर कॉलेज महिला के लिए रखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। यानी कि जो है इंटर कॉलेज के जो प्राध्यापक होंगे मतलब बनने के लिए आपके पास LT होना चाहिए, आपके पास जो प्रमोशन हो गए आए होंगे या प्रवक्ता पहले से 10 साल का काम किया होगा उनके लिए रखा गया है। और विभागीय जो परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की जो अधीनतम आयु है 50 वर्ष निर्धारित करी गई है, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन UPSC की साइट से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अनारक्षित के लिए 172 रुपया और शारीरिक दिव्यांग कैंडिडेट को 22 रुपये लगेगा शुल्क। और इसमें आपका इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा और देखते हैं लिखित परीक्षा, हाँ लिखित परीक्षा भी यहाँ पे लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 और 2 हो गए, जिसमें सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता के लिए वास्तुनिष्ठ प्रकार का 120 प्रश्न होंगे, अधिकतम 120 रखा जाएगा और 2 घंटे की परीक्षा होनी है। दूसरा प्रश्न पत्र आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता होना चाहिए, वास्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 180 प्रश्न होंगे, 360 अधिकतम अंक रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद से यहाँ पर कहा है कि कुल लिखित परीक्षा का योग होगा आपका 480 और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो 60 नंबर का इंटरव्यू होने, टोटल आपका यहाँ पर 540 नंबर का लिखित और साक्षात्कार का यहाँ परीक्षा होनी है। तो इंटरव्यू और यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। सिलेबस आप देखते हैं यहाँ पर, ये पूरा पूरा सिलेबस देख रख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं।